प्रेसिडेंट्स पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने कक्षा 12 की बायोलॉजी में मानव जनन के अंतर्गत भ्रूण के विकास का अध्ययन किया हुआ है। भ्रूण के विकास के बाद हम लोग आगे के टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं आज अपने इस क्लास के माध्यम से। तो हमारा हेडिंग बनेगा फेटस का विकास। फेटस क्या होता है, हमने बताया था पिछले क्लास के माध्यम से कि भ्रूण डेवलप होकर के आगे जिस रचना का निर्माण करता है उसी को हम लोग फेटस कहते हैं, यानी कि भ्रूण से ही फेटस की उत्पत्ति होती है। क्या कह सकते हैं कि फेटस का निर्माण होता है। तो हेडिंग आपको यही बनेगा फेटस का विकास। तो फेटस का विकास पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैक चलेंगे, पीछे चलेंगे, ताकि आपको हम रिमाइंड कर सकें कि हम लोग भ्रूण के विकास में कहाँ तक पहुँचे थे और हमें फेटस का विकास कहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ये डायग्राम याद होगा आपको कि कुछ सेल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, 8 से 16 कोशिकाओं का कुछ ग्रुप होता है जिसमें होता है सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसे हम आउटर सेल मास कहते हैं, सेल मास कहते हैं, और जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं, ठीक है। ये बात आप जानते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक मारुला का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। मारुला आपने पढ़ाई होगा, 8 से लेकर के 16 कोशिकाओं का समूह मारुला कहलाता है। इसके बाद धीरे धीरे कोशिकाएँ बढ़ती रहती हैं और बढ़ करके दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक जो बाहर वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हें आउटर सेल मास कहते हैं और जो अंदर वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं। तो ये 8 से 16 या फिर 32 कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इनर सेल मास है इन्हीं से आगे चल करके भ्रूण बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। यही आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं, भ्रूण का निर्माण करती हैं। हम लोग जो है मारुला के बाद ब्लास्टुला गैस्टुला के माध्यम से पिछले वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। चलिए आगे देखते हैं कि फेटस का निर्माण कैसे होगा, फेटस का विकास कैसे होगा। तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें क्या लिखना होगा कि भ्रूण के अंदर जो इनर सेल मास होती हैं जो कि आगे चल करके स्टेम सेल की तरह काम करती हैं, किसकी तरह, स्टेम सेल की तरह ये एक्ट करती हैं, यानी कि व्यवहार करती हैं, कार्य करती हैं। थोड़ा सा बता दें हम स्टेम सेल क्या होता है। देखिए भ्रूण के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सभी स्टेम सेल होती हैं। स्टेम सेल मतलब कि ऐसी कोशिकाएं हैं ये जिनके द्वारा हर प्रकार के ऊतक यानी कि ब्लड बोन कार्टिलेज समथिंग हर प्रकार का जो टिश्यू बनाया जा सकता है या बनता है। यानी कि कह सकते हैं कि स्टेम सेल यानी इनर सेल मास में या एम्ब्रियो में जो भी सेल्स होती हैं वो सभी सेल्स जो है स्टेम सेल कहलाती हैं और स्टेम सेल की तरह ये कह सकते हैं कार्य करती हैं, ठीक है। यही वो सेल्स हैं जो आगे चल करके अपना अपना रोल प्ले करेंगी, यानी इसमें से कुछ कोशिकाएँ हाथ बनाएंगी, कुछ कोशिकाएँ आँख बनाएंगी, कुछ कोशिकाएं बाल बनाती हैं, कुछ का काम होता है बोन्स बनाना, हड्डी बनाना, ब्लड बनाना। ऐसे ऐसे शरीर के अंदर जितने भी वेरिएशन हैं, जितने भी अलग अलग टिश्यू हैं, अंग देख रहे हैं आप, इन सभी का फॉर्मेशन जो है यही इनर सेल मास में उपस्थित कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। इसमें जब जितने भी सेल्स आप देख रहे हैं ये सभी कोशिकाएँ अपने अपने कार्य को आगे अंजाम देने वाली हैं। तो इनर सेल मास द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं सभी को हम स्टेम सेल कहते हैं और स्टेम सेल के द्वारा शरीर के अन्य भागों का तमाम अंगों और उपांगों का निर्माण होता है, ठीक है। स्टेम सेल्स जो होती हैं ये आगे चल करके 3 लेयर बनाती हैं, कितनी लेयर, 3 लेयर। यानी याद रखिएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जैसे जैसे भ्रूण का निर्माण होगा उसी दौरान हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान यानी भ्रूणी परिवर्तन के दौरान स्किन में 3 परतें होती हैं, यानी कि एम्ब्रियो जो बनता है वो जैसे जैसे डेवलप होगा उसमें 3 लेयर बन जाती हैं, ठीक है। 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं,
इक्टोडर्म होता है, इक्टोडर्म, दूसरा होता है मीसोडर्म और तीसरा होता है इंडोडर्म। ठीक है, इंडोडर्म। ओके, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं भ्रूणी परिवर्तन। मैंने बताया कि इनर सेल मास जो अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं वही आगे चल करके भ्रूण बनाती हैं, और जैसे जैसे भ्रूण का विकास होगा, मैंने बताया कि उस भ्रूण की पूरे भ्रूण में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, या पूरा भ्रूण जो है जिन कोशिकाओं से बना होता है उन कोशिकाओं को हम स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे भ्रूण का विकास होगा वैसे वैसे उस भ्रूण में तीन परतें बनती हैं, इक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतः त्वचा। तो ये तीन परतें होती हैं, ये तीनों परतें आगे चल करके अलग अलग सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, इन तीनों परतों द्वारा अलग अलग सिस्टम बनते हैं। कौन कौन से सिस्टम? जैसे जो इक्टोडर्म है, ठीक है, ये खास तौर पे रक्त संचार तंत्र का निर्माण करता है। इसके द्वारा रक्त संचार तंत्र, ठीक है, जिसे हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन जो है ये इक्टोडर्म के द्वारा किया जाता है, इतना आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका मीसोडर्म बनता है, भ्रूण के अंदर जो सेकंड लेयर होती है, ठीक है, लेयर, तो जो सेकंड लेयर होती है जिसे मीसोडर्म कहते हैं, इसके द्वारा खास तौर पे पाचन तंत्र का निर्माण होता है। कौन से तंत्र का? पाचन तंत्र का निर्माण होता है। इसके अलावा जो इंडोडर्म होती है, अंतः त्वचा होती है, उसके द्वारा कंकाल तंत्र का, कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, मैंने बताया कि जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, उस भ्रूण में उपस्थित तमाम प्रकार की स्टेम सेल्स जो होती है वो तीन लेयर बनाती हैं, इक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म। इक्टोडर्म के द्वारा रक्त संचार तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, और जो मीसोडर्म होती है वो पाचन तंत्र बनाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, और इंडोडर्म के द्वारा कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। तो ये बेसिकली तीन परतें तो बनती ही हैं। इसके अलावा जो अन्य सिस्टम होते हैं, जैसे कह सकते हैं श्वसन तंत्र है, ठीक है, कौन सा तंत्र है? श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र जो है, या इसके अलावा जो है और भी तमाम हैं, गमन तंत्र हैं, अंतःस्रावी तंत्र हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल 9 सिस्टम होते हैं, यानी कि 9 तंत्र पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है अदर सिस्टम का, अदर तंत्रों का भी निर्माण होता रहता है। ठीक है, इसी के दौरान अगर हम लोग बात करें तो भ्रूण का विकास या फेटस का विकास कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बताया, फेटस क्या होता है कि भ्रूण के बाद जो रचना बनती है उसे हम फेटस कहते हैं। फेटस का जो हिंदी है वो है गर्भस्थ शिशु, यानी कि शिशु जब बन जाता है स्मॉल साइज का तो उसी को कहा जाता है फेटस। तो फेटस का जो विकास है, यानी शिशु का जो विकास है, वो खास तौर पे तीन स्टेप में होता है। ठीक है, कितने स्टेप में? ठीक है, तो ये तो सिस्टम बन ही रहे हैं, इसके साथ साथ और भी तमाम बॉडी जो है चेंजेज होते हैं, यानी कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कैसे कैसे परिवर्तन होता है हम लोग इसको देखते हैं। तो फेटस का विकास अगर बात करें, या फिर हम लोग इसमें आगे हेडिंग बना सकते हैं शिशु का विकास। ठीक है, तो शिशु का विकास या फेटस का विकास, तो खास तौर पे आप जानते हैं कि यूटेरस के अंदर, ठीक है, यूटेरस के अंदर जो है शिशु खास तौर पे कितने 9th मंथ तक रहता है। ठीक है, कितने 9 मंथ तक रहता है, यानी कि 9 महीने के अकॉर्डिंग इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। इसमें तमाम प्रकार के फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक परिवर्तन जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर 9 महीने में इस शिशु का डेवलपमेंट होना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अथवा ऐसे पूछा जा सकता है कि कितने सप्ताह तक विकास होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 38 से 42 सप्ताह तक। ठीक है, अगर सप्ताह पूछा जाए तो 38 से 42 सप्ताह आप बताएंगे। तो प्रश्न कई माध्यम से पूछे जाते हैं, कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन किया जाए हमें उसी प्रकार से जवाब देना है। अच्छा, 38 से 42 सप्ताह भी पूछा जा सकता है, या अगर दिनों की बात करें तो 265 से लेकर के 270 दिनों तक जो है
शिशु का विकास होने में इतना समय लगता है, कहाँ पर? यूटेरस कैविटी के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर इतना समय तो लगता है। इतने दौरान, इतने समय के उपरांत जो है शिशु का जन्म होता है, ठीक है। तो शिशु जन्म कैसे होता है, प्रसव क्या है, ये अगला टॉपिक होगा, इसे हम अगले क्लास के माध्यम से स्टडी करेंगे। अभी आज के क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हम लोग शिशु या फेटस के विकास पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने खास तौर पे कितना स्टडी किया है, एक बार मैंने बताया कि भ्रूण के अंदर आउटर सेल मास का खास तौर पे उतना रोल नहीं है जितना जो है इनर सेल मास का है। इनर सेल मास आगे चल करके एम्ब्रियो बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, भ्रूण ही आगे चल करके फेटस बनाता है। फेटस मतलब गर्भस्थ शिशु होता है। तो एम्ब्रियो में जितने सेल्स होती हैं सब स्टेम सेल्स होती हैं, और स्टेम सेल्स का काम होता है कि शरीर में जो भी अलग अलग अंग होते हैं, हाथ पैर अंगुली जीभ दांत, ऐसे तमाम मतलब विभिन्न प्रकार के अंगों पांगों को बनाने का काम होता है स्टेम सेल का, ठीक है। तो शिशु का विकास मैंने बताया 9 मंथ में होता है, 38 से 42 सप्ताह में अथवा 265 से 270 दिन इतना समय लगता है गर्भाशय के अंदर शिशु को कंप्लीट रूप से डेवलप होने में, ठीक है। इतने दिनों के बाद शिशु का जन्म होता है। तो हम इतने दिनों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं हमें यही देखना है, ठीक है। चलिए आगे हमें स्टार्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया कि शिशु का जो विकास है वो 3 चरणों में होता है, ध्यान दीजिएगा। शिशु का जो विकास है, शिशु विकास, ठीक है, का जो विकास होगा कितने 3 चरणों में होता है, कौन कौन से? प्रथम चरण यानी कि प्राइमरी सेमेस्टर, द्वितीय चरण यानी कि सेकेंड सेमेस्टर, और तृतीय चरण मतलब थर्ड सेमेस्टर, यानी कि 3 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग 3 चरणों के अनुसार शिशु का विकास होता है। 3 चरणों के माध्यम से जो है फिटस का डेवलपमेंट या फिर शिशु के विकास को पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि बताया गया कि टोटल जो है 9 मंथ का एक टाइमिंग होता है, तो 3 चरणों के हिसाब से इसे हम 3-3 मंथ में डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा 3-3 माह में इसे डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो प्रत्येक चरण होता है वो 3-3 माह का होता है, ठीक है। हमें ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ मैं। तो इस 3-3 महीने में क्या क्या होता है यही चीज़ हमें स्टार्टिंग में समझना होगा। तो चलिए देखते हैं, याद रखिएगा शिशु के विकास में जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट मंथ जो होता है याद रखिएगा, उस समय सबसे पहला काम, याद रखिएगा सबसे पहला काम जो है ये हार्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? हार्ट का फॉर्मेशन होता है, ये स्पेशल पॉइंट है। यानी कि शिशु के विकास में जो फर्स्ट मंथ होता है उसके विकास का पहला महीना, 9 मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से जो फर्स्ट मंथ होता है उस समय सबसे पहले बेबी के बॉडी में हार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फेटस बॉडी में सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन है, तो बताएंगे हार्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे और भी परिवर्तन होंगे, जैसे क्या है, अच्छा एक बात और जान लीजिएगा कि जो हार्ट बनता है उसे खास तौर पे हम लोग स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं, याद रखिएगा स्टेथोस्कोप, जिसे हम लोग डॉक्टरी आला कहते हैं, कान लगाने वाला, उसके द्वारा हम इसकी धड़कन को सुन सकते हैं, या इसके अलावा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है उस चीज़ को भी माप सकते हैं कि उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है। तो इससे बता दूं मैं, स्टार्टिंग दिनों में, शुरुआती दिनों में फेटस की जो हार्ट बीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मान चलिए 150 से अबव चलता है, यानी 150 बार प्रति मिनट से ज़्यादातर उसकी हार्ट बीट रेट होती है। तो पहले सेमेस्टर के पहले माह में जो है हार्ट बनता है, और उस हार्ट को या उसकी धड़कन को हम स्टेथोस्कोप या अल्ट्रासाउंड के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे अल्ट्रासाउंड के द्वारा ज़्यादा स्पष्ट सुना जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में अल्ट्रासाउंड के थ्रू इतना ज़्यादा क्लियरेंस नहीं रहता है।
अच्छा, दूसरे मंथ की जहाँ तक बात करते हैं तो दूसरे मंथ में खास तौर पे जो है स्मॉल लिम्ब बनते हैं, स्मॉल लिम्ब, ठीक है, लिम्ब मतलब हाथ कह सकते हैं, हाथ पैर जो है ये जो है बनते हैं सेकेंड मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये स्पेशलिटी होती है, इसको आप याद रखिएगा। थर्ड मंथ जो होता है इसके दौरान खास तौर पे जो आईलिड्स होते हैं, ये जो होते हैं, ठीक है, भौहें, ये बंद तो जाती हैं स्पेशली, लेकिन धीरे धीरे सेपरेट भी होने लगती हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना है कि भौहें बनती हैं, ठीक है, भौहें बनती हैं। तो ये आपका तीसरा मंथ, तीसरे मंथ के अकॉर्डिंग ये जो भौहें होती हैं इनका फॉर्मेशन हो चुका होता है। अच्छा, फोर्थ मंथ में जो है कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं रहता है, तो याद रखिएगा नॉट क्लियर यहाँ पर लिखेंगे, ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट मतलब और सेकेंड सेमेस्टर में एंट्री होती है। जैसा कि बताया गया है कि एक दो तीन, ये तीन महीने का पहला सेमेस्टर होता है, जैसे ही दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो वो चौथा महीने के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, पांचवें मंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो पांचवें मंथ में खास तौर पे अगर देखा जाए इस दौरान धीरे धीरे बॉडी का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होने लगता है, ठीक है, याद रखिएगा बॉडी जो है ये मूवमेंट करने लगती है, इसमें धीरे धीरे हलचल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सिक्स मंथ में अगर देखा जाए खास तौर पे सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होता है हाथ पैर का, तो ये खास तौर पे सिक्स मंथ में होता है, ठीक है। तो बॉडी जो होती है, बॉडी तो मूव करती ही है, इसके अलावा जो हाथ पैर होते हैं वो भी जो है ज़्यादातर मूव करने लगते हैं। तो जो लिम्ब होते हैं, लिम्ब मतलब हाथ पैर जो है, ये बहुत ज़्यादा मूव करने लगते हैं। इसके अलावा खास तौर पे एक पॉइंट और रहता है, बेबी किक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी की फीलिंग्स है ज़्यादातर लोगों को कराई जाती है, ठीक है, यानी कि हाथ पैर का मारना, ये सबसे प्रमुख लक्षण होता है बेबी के डेवलपमेंट का। यानी अगर उसका डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, तो उसमें ये सबसे अहम करैक्टर होता है बेबी का, हाथ पैर डुलाना, मारना, तो ये ज़्यादा स्पेशल करैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया, अब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में एंट्री ले रहे हैं। तो ये सातवां जो मंथ होता है, ठीक है, सातवां मंथ, आठवां मंथ, नौ मंथ, ऐसे धीरे धीरे बॉडी के जो अदर सिस्टम हैं वो भी धीरे धीरे फॉर्म होने लगते हैं। जैसे क्या है, सातवें मंथ में जो नेल्स होते हैं, नाखून, ठीक है, नाखून है, ठीक है, ये बनने लगते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो आठवां मंथ होता है, आठवें मंथ में खास तौर पे बॉडी हेयर जो होते हैं, बॉडी हेयर, ठीक है, सिर पर बाल, ये सारी चीज़ें बन चुकी होती हैं नियर अबाउट अगर देखा जाए। नाइन मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो नाइन मंथ होता है यानी कि थर्ड सेमेस्टर का लास्ट, इस समय तक कह सकते हैं कि बॉडी कंप्लीटली डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। तो बॉडी जो है ये फुल्ली डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट रूप से जो है बेबी का डेवलपमेंट हो चुका होता है इस थर्ड सेमेस्टर के लास्ट मंथ, नौवें मंथ के दौरान, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोग फेटस के विकास को स्टडी करते हैं, शिशु के विकास को स्टडी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक आप जानते रहिएगा कि भ्रूण के विकास, जो कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, भ्रूण के विकास के बाद हमारा जो ये क्लास है, आज का जो क्लास है, ये फेटस का विकास अथवा शिशु का विकास है, जिसे हम लोगों ने अभी तक क्लियर किया है, ठीक है। मैंने बताया कि 9 मंथ लगते हैं, ठीक है, इसके अलावा 38 से 42 सप्ताह लगते हैं, या फिर 265 से 270 दिन लगते हैं। इतने दिनों में ये कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, शिशु का विकास होता है यूटेरस यानी गर्भाशय के अंदर, और शिशु के विकास को 3 चरणों में समझा जा सकता है। प्रत्येक चरण 3 माह का होता है, इतना जानते हैं, और हर माह में क्या होता है मैंने इस डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रसव, यानी कि शिशु का जो डेवलपमेंट कम्प्लीटली हो चुका है,
अब ये शिशु जन्म के लिए तैयार है, तो हम जन्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।